हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं सोया साग की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सोया साग लिया है और ये है सोया साग, थोड़ा सा मैं बचा के रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए, ये है सोया साग, अब इसे बनाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ साग को, और इसी तरह से साग को बनाना है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से साग को बनाना है और मोटे मोटे डंठल को फेंक देना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से साग को बना के रखा था और इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो साग को अच्छे से धो लिया है, अब इसे महीन महीन काटेंगे बारीक बारीक से। तो ये साग सर्दियों का मौसम में मिलता है, ठंड के मौसम में तो ये साग खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से साग को काटना है। तो देखिए दोस्तों, साग को यहाँ पे मैंने काट के रखा है और कढ़ाई में तेल डालेंगे गरम होने के लिए। और तेल गरम हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो जीरा चटक गया है, अब इसमें आलू डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू लिया है, आप चाहे तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक देंगे और अच्छे से भुनेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से आलू भुना गया है। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि लहसुन अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अब इसमें साग को डालेंगे। और इसे अच्छे से चला लेते हैं और अच्छे से पकाएंगे साग को। तो देखिए दोस्तों, कितना कम हो गया है। और साग को इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। तो देखिए, सोया साग बनके रेडी हो गया है। अब इसे चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है, अब इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाइए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।